आज मैं लेकर आई हूँ कोइन पराठे की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने में जितना ही आसान है उतना ही हेल्दी है। चलिए देखते हैं कि इस पराठे को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक बाउल, इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज की बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। उसके बाद से इसके अंदर हम डालेंगे दो बॉयल किया हुआ ग्रेट किया हुआ आलू और इसमें हम थोड़ा सा कॉर्न डालेंगे, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद से बारीक कटी हुई हरा धनिया, आप इसमें अपने मनपसंद से और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। इसमें एक कप मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ यहाँ पे, और आप कोई और आटा मिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे एक चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच जीरा हमने डाला है। उसके बाद से 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर हमने डाला है। टेस्ट के हिसाब से नमक डालूँगी। एक चम्मच इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इन सब चीज़ों को अब हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, आटा गूंथेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, वेजिटेबल से ही आटा का डो थोड़ा बहुत तैयार हो जाएगा। उसके बाद जितना इसमें पानी चाहिए उतना हम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छा से ये डो तैयार होने लग गया है। अब इसमें इस तरीके से डो बनाने के बाद हम देखेंगे कि कितना पानी चाहिए, उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी हमने थोड़ा सा लिया है, आपके आटे में जितना पानी की ज़रूरत हो उतना आप पानी डालें। तो इस यहाँ पे हमने 3 से 4 चम्मच पानी डाला है और अच्छा से हमने हाथों से मसलते हुए डो को तैयार कर लिया है। चलिए अब डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। 10 मिनट बाद अब बनाएंगे पराठे। तो 10 मिनट हो चुका है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच घी और आटे को फिर से एक बार चिकना कर लूँगी मैं। तो इस तरीके से आटे को मसलते हुए हमें चिकना कर लेना है और अब बनाएंगे इसके पराठे। तो ये पराठे बनाने के लिए डो रेडी है। चलिए इसे बड़े बड़े बॉल्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 4 भागों में इसे डिवाइड कर लेंगे, ये देख सकते हैं। इसमें से एक बॉल हम निकाल लेंगे और बाकी को ढक कर रख देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ढक दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा मैंने लिया है। अब इस बॉल को इस सूखे आटे में हम डस्ट करके और एक रोटी के पराठे के जैसे हम बेल लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने डस्ट कर लिया है और इसे हम थोड़ा मोटा ही बेलना है हमें। ध्यान रहे यहाँ पे आटा जो है ज़्यादा हमें गीला नहीं लगाना है और ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना है। रोटी का जो आटा लगाते हैं उससे हमें थोड़ा सख्त लगाना है। तो इस तरीके से हम इसे एक रोटी के शेप में बेल लेंगे और बिल्कुल पतला नहीं बेलना है, ये मोटाई दिखा रही हूँ आपको। और अब हम यहाँ पे बेलने के बाद एक कटोरी से इसे हम कट कर लेंगे। कटोरी या कोई ढक्कन गिलास कुछ भी हो आपके पास उससे आप कट कर लें इस तरीके से। देख सकते हैं इसका थिकनेस कैसा है, आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको कट कर लेना है। चलिए इसे एक प्लेट में रख देते हैं। इसी तरीके से सारे हम पराठे को इस तरीके से कट कर लेंगे, ये देखिए। इसी तरीके से हमें पराठे को तैयार करना है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बच्चों के लिए, यदि बच्चे आपके वेजिटेबल नहीं खाते हैं तो उनको ये ज़रूर बनाकर इस तरीके से दीजिए। बहुत ही आसानी से वो सारे वेजिटेबल भी खा लेंगे और बहुत पसंद से खाएंगे। तो ये सारे पराठे हमने कट करके रख लिया है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक पैन को हमने अच्छा से गर्म कर लिया है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और अच्छा से घी को गर्म होने देंगे और फैला देती हूँ चारों तरफ। और पैन गरम हो चुका है, अब इसमें एक बार में जितना पराठे आए उतना हम इस तरीके से डाल देंगे और गैस को यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। 1 मिनट तक हम एक साइड तक सेकने देंगे इसे, उसके बाद इसे हम पलट लेंगे। तो चलिए इसे पलट देते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसी तरीके से हमें दोनों साइड से सेक लेना है और आप ये देख सकते हैं कि कितना कम घी या तेल में इसे आप बना सकते हैं। बहुत ही कम
घी या तेल इसमें लगता है, आप जिस में बनाना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, घी बटर कोई भी चीज़ से बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना आसानी से कितना जल्दी सीख चुका है। चलिए इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से दूसरे पराठे को हम वापस डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं सिकने के बाद भी इसमें घी बचा हुआ था, उसी में हमने ये दूसरा पराठा भी सेक लिया। इसी तरीके से सारे पराठे को हम सेक कर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप देख सकते हैं कितना हेल्दी और कितना टेस्टी है और कितना जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।